भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को इस ब्रह्मांड के द्वारा और सारी सृष्टि में जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने अच्छा बना के अपनी महानता और अपनी महिमा को दर्शाया है। आज के इस मैसेज में हम लोग देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और तारों में परमेश्वर की कितनी असंख्य और अद्भुत सामर्थ्य की महिमा की बातें छिपी हुई हैं, और उनमें से कुछ बातों का हम लोग आज उल्लेख करेंगे। और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा के भागी बनने पाएंगे। तो हम लोग वचन में देखते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है कि सूर्य हमारे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के प्रकाश की छाया है, वो हमारे लिए शैडो है, परमेश्वर के महिमा का, परमेश्वर के स्वरूप का, परमेश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब है। और हम लोग जानते हैं कि सूर्य एकमात्र तारा है जो हम पृथ्वीवासियों को प्रकाश देता है, पृथ्वी के सबसे करीब है। तारे तो अनगिनत हैं, अरबों खरबों हैं, परंतु हम पर प्रकाश देने वाला तो एक ही तारा है। उसी प्रकार संसार में ईश्वर तो बहुत कहलाते हैं, परंतु हमारे लिए तो एक ही प्रभु है, यीशु मसीह, और एक ही परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर यहोवा, और एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग उसमें बपतिस्मा पाते हैं और सेंधमंद उद्धार पाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सृष्टि में परमेश्वर ने दिन और रात करके सृष्टि बनाया है, बराबर करके 12-12 घंटे। जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को 12 जातियों की संतान ठहराया और प्रतिज्ञा की संतान इसहाक को आशीषित किया, परंतु जो संतान दास से जन्मा था और जिसको परमेश्वर ने स्वतंत्र स्त्री के संतान से दूर किया था, इश्माइल को, जो शरीर का था, उसको भी प्रभु ने 12 जातियों में आशीष दिया था और कहा था कि जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाएगा और जो तुझे श्राप दे वो श्राप पाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब्राहम की प्रतिज्ञा के संतान इसहाक को भी, यदि हम लोग इसराइल को आशीष देते हैं तो हमें आशीष प्रभु देंगे, यदि हम इसराइल को श्राप देते हैं तो प्रभु हमें श्राप देंगे। उसी प्रकार प्रभु की संतान अब्राहम जो चुना गया, उसकी जो शरीर से जन्मा जो संतान था, दास से जन्मा, हाजिरा से जन्मा जो संतान था इश्माइल, यदि हम लोग उसे आशीष देंगे तो प्रभु हमें आशीष देंगे, यदि हम लोग उसे श्राप देंगे तो प्रभु हमें श्राप देंगे। कहने का मतलब है सूर्य परमेश्वर का जो प्रकाश है वो सब पर चमकता है, क्या इसराइली की अन्य जाति, क्या इसहाक की संतान या क्या दास की संतान। दास व्यवस्था को दर्शाता है, जो व्यवस्था के बंधन में है वो दास है और वो स्वतंत्रता से दूर है, परंतु जो प्रतिज्ञा की संतान है वो स्वतंत्र स्त्री के है, वो यरूशलेम की संतान है, वो परमेश्वर की संतान है, वो इसराइल की संतान है, वो पवित्र आत्मा के मोहर उनमें। और हम लोग देखते हैं कि इसहाक के जनरेशन से, गोत्र से होकर प्रभु यीशु मसीह जैसा भविष्यवाणी की गई थी प्रकट होते हैं, और अन्य जातियों के लिए भी उद्धार का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होता है, क्या अरबी, क्या फारसी, क्या हिंद, हर एक जाति में। और आज ये सुसमाचार सारी जातियों में पहुंच गया है और अंत का दिन आ गया है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे चंद्रमा, हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा का अपना ना प्रकाश होता है, ना ही हम लोग उसमें सांस ले सकते हैं, वो एक मृत के समान है, ना उसका अपना प्रकाश है, परंतु वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और उसके द्वारा हम पर प्रकाश पहुंचता है। तो चंद्रमा हमारी कलीसिया को दर्शाता है, जो अपने बल से तो जीवित नहीं है और अपने बल से तो प्रकाश में नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रकाश उस पर बराबर चमकता है और वो पृथ्वीवासियों को अंधकार से निकालता है, और हम कलीसिया पर अपना प्रकाश कभी नहीं हटाता, और हम जब अंधेरे में, तो वो चाहता है कि जिस प्रकार उसने अब्राहम के संतानों को सितारों की तरह संतान के रूप में दिखाया कि तेरे संतान सितारों के समान अनगिनत होगी और प्रभु में बहुत आयत का प्रकाश को प्राप्त करेगी, हर एक का अपना नाम होगा और प्रभु में सभी एक थे, एक आत्मा में होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश चमकता है तो सितारे जगमग इस अंधकार रूपी पृथ्वी पर हम मनुष्यों को दिखाई पड़ते हैं। सितारे तो बहुत हैं, परंतु जो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण उसके चांदनी में चमकते हैं, वो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि अंधकार रूपी सृष्टि में बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं, भटके भेड़े तो बहुत हैं, परंतु प्रभु ने सबसे प्रेम किया, बुलाए हुए तो सभी हैं, परंतु जो अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं उस चंद्रमा के समान, जो प्रभु का प्रकाश चाहते हैं, सितारे तो बहुत हैं, परंतु जो सच्चे परमेश्वर का प्रकाश चाहते हैं, उसी प्रकार आसमान में तारे तो बहुत हैं, परंतु जो चंद्रमा के समान अपने आप को प्रभु की कलीसिया में सम्मिलित होने के लिए उसके प्रकाश के अधिकार को सौंप देते हैं, वो इस अंधेरे में भी प्रभु का प्रकाश को प्राप्त करेंगे और उसमें सेंत में धर्मी ठहरेंगे, उसके मांस और लहू में पापों को धोएंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग राज्य के लिए अब्राहम के संतान को मोहर पाएंगे, और उन सितारों के समान चमकेंगे जो चुने हुए की तरह चांद की चांदनी में, जो सूर्य का प्रकाश उस पर चमकता है, परमेश्वर के सामर्थ्य में आसमान पर चमकेगा। तो हम आशा करते हैं कि इस मैसेज के द्वारा जो सार जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, हम आपको बताने में उनकी अगुवाई के द्वारा
समर्थ हुए और जो कुछ भी हम ज्ञान की बातें करते हैं, अद्भुत बातें लाते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हर एक सुनने वाला बहुत है आपकी आशीष पर। और आशा करते हैं कि आप इसको औरों से भी साझा करिएगा और प्रभु की महिमा में आप भी अपना सहभागिता अदा करिएगा और प्रभु की महिमा को सारी जातियों तक फैलाइएगा इन अंत के दिनों में। और जिस प्रकार प्रभु ने हम पर अपना प्रकाश चमकाया है, ईश्वर तो बहुत कहलाते हैं, लेकिन जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर ने सूर्य के समान, हम अंधकार में कोई कलीसिया के समान चंद्रमा पर अपना प्रकाश निरंतर 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 चमकाया है, बराबर 12-12 घंटे, इश्माइल पे भी, इशाक पे भी, प्रतिज्ञा के संतान के भी और व्यवस्था के संतान के भी, कि सुसमाचार सारी जातियों के लिए है, स्वतंत्र के लिए भी जो प्रतिज्ञा किया गया और अन्य जातियों के लिए भी जो दूर किए गए, जो भटक गए, जो शरीर के थे, परंतु परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। और जब ईश्वर सबके लिए है तो परमेश्वर का प्रकाश सब पर चमका है, परंतु जब विश्वास करते हैं वो उस चंद्रमा की चांदनी के साथ आसमान पर निकल आते हैं, तो उसी प्रकार चुने हुए स्वर्ग राज्य के लिए उठाए जाएंगे और उनका प्रकाश फिर कभी घटेगा नहीं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाशमान होते हैं और फिर कभी अंधकार नहीं होगा, फिर कभी पाप और श्राप नहीं होगा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत से आशीष पाए और अपना आपको परमेश्वर को सौंप दे और परमेश्वर का मुख का प्रकाश पाए, अपने आप को चांद की तरह समझे जिसमें सांस नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं है, और उसे एकमात्र परमेश्वर को सूर्य के समान माने और किसी को ना माने, और जैसे कुछ सितारे निकलते हैं उसी प्रकार अपने आप को चुना हुआ माने, चुना हुआ जाने, उसके लिए आपको परमेश्वर का प्रकाश चाहिए, अपने आपको उस यीशु मसीह के नाम में सौंप दें और बहुतायत का आशीष और उद्धार पाए। तो हर एक सुनने वाला बहुतायत से अपने परिवार संग प्रभु का संदेश सुने, हमारे मैसेज को लाइक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जाकर बेल आइकन दबाएं कि हमारा जो कुछ भी संदेश प्रभु के नाम हम देते हैं तो सबसे पहले आपको मिले, आप अपडेट रहें और औरों को भी प्रोत्साहित करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे मैसेजेस को शेयर करें। और हम आशा करते हैं कि आप बहुत आयत से प्रभु के आशीष को प्राप्त कीजिएगा और हमें भी प्रभु में बहुत आयत से बढ़ाइएगा, वरन